अंबा एक संस्कारी महिला है। सुबह 4 बजे उठकर गंगा स्नान करके मंदिर में पूजा पाठ करती, फिर घर आकर तुलसी पूजा करके ही खाने को हाथ लगाती। लेकिन अंबा की बहू अपने सास से बिल्कुल अलग है। मॉडर्न सोसाइटी की स्टाइलिश बहुओं की तरह छोटे कपड़े पहनना, दिन रात पार्टी और क्लब में जाना, घर में सबके सामने शराब पीना, कुछ ऐसी ही थी संस्कारी अंबा की शराबी बहू सोना, जिसे अंबा ने खुद ही चुना था अपने बेटे आलोक के लिए। एक दिन सोना दारू के नशे में फुल टाइट होकर छत में चढ़ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मोहल्ले वालों, मैं आज यहाँ से कूद कर खुदकुशी करूंगी, खुदकुशी करने जा रही हूँ। तुम सब मेरे इस मौत के गवाह हो, ओके? तो मैं करूँ सुसाइड? तमाशा देखने के लिए मोहल्ले की भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी नीचे से एक चचा ने कहा, अरे सोना बहू, आज क्या हो गया? सास ने फिर कुछ कह दिया क्या? चचा, मुझे जीने का शौक नहीं, जीती हूँ सास की ताने खाने को। मेरी सास एकदम खरूस है, वो मुझे अपनी तरह गवार बना कर रखना चाहती है। लेकिन मैं तो शेरनी हूँ ना, और एक शेरनी बकरी कैसे बन सकती है? तो फिर मैं करूँ सुसाइड? अरे क्यों इतनी पीती है जो हजम नहीं कर सकती? जब देखो तब पीकर नाटक करती है, पूरे मोहल्ले को तमाशा बना कर रख दिया है इस शराबी लड़की ने। मौसी, मौसी तुम नहीं समझोगी, मौसी ये मेरा दुख दर्द तू कभी नहीं समझेगी। ये सब तुझे नाटक लग रहा है ना बुढ़िया? जब मैं नीचे गिरकर मर जाऊंगी तब बोलना ये नाटक है। मोहल्ले वालों, तो आप सब तैयार है ना? अभी मैं करूँ सुसाइड? सोना की सास मंदिर से आकर अपने घर के बाहर जब भीड़ लगी हुई देखती है तो तुरंत छत पर जाकर सोना को खींच के अंदर ले जाती है और बेडरूम में बंद कर देती है। शाम को जब सोना का पति और ससुर घर आते हैं तो अंबा उन्हें सब बताती है। रोज तो पीकर घर में तमाशा करती है, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दिया। छत में जाकर पूरे मोहल्ले के सामने हमारा तमाशा बना दिया। बहू, तो तुमने अपने पसंद की लाई है ना माँ? खाना बनाना आता है या नहीं, पूजा करना आता है या नहीं, व्रत रख लेती है कि नहीं, यही सब पूछा था ना तुमने? लेकिन ये तो पूछना भूल ही गई थी कि दारू पीती है कि नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? ये सब की जिम्मेदार मैं हूँ? मैंने तो कोशिश की थी अच्छी बहू लाने की इस घर में, लेकिन सबने झूठ बोलकर ऐसी शराबी लड़की फंसा दी गले में। तो भला इसमें मेरी क्या गलती है बेटा? अरे भाग्यवान, शांत हो जाओ। ऑफिस की टेंशन कम नहीं है जो घर आते ही संस्कारी सास और शराबी बहू की टेंशन मिलने लगती है। तभी ऊपर से बहू के चिल्लाने की आवाज आती है, दरवाजा किसने बंद किया है? दरवाजा खोलो जल्दी, नहीं तो मैं तोड़ दूंगी इसे। ए बुढ़िया, खोल दरवाजा। आलोक तुरंत जाके दरवाजा खोलता है और गुस्से में सोना से कहता है, क्या तमाशा बना रखा है तुमने? तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि तुम एक ऐसे घर की बहू हो जो ना तो दारू को हाथ लगाते हैं और ना ही उसकी बात करते हैं, फिर भी सब तुम्हें झेल रहे हैं। सोसाइटी में हमारी एक रिस्पेक्ट है जो तुमने खत्म कर दी है। कहीं ऐसा ना हो सारी लिमिट क्रॉस हो जाए और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकूं। आलोक फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाता है और दरवाजे को धड़ाम से बंद कर देता है। सोना ने पहली बार आलोक को इतने गुस्से में देखा था। वॉशरूम से बाहर आते ही सोना मासूम से चेहरा बनाकर आलोक से कहती है, I'm sorry, माफ कर दीजिए ना प्लीज। मैं आज के बाद शराब की तरफ देखूंगी भी नहीं, कसम से दारू का नाम तक नहीं लूंगी। लेकिन आप मुझसे ऐसे छोड़ने की बात कभी मत कीजिए। तुम और तुम्हारी कसम दोनों एक जैसे हो, झूठे और बेकार। तुम हर रोज मेरी कसम खाती हो और शराब की बोतल सामने देखते ही सब भूल जाती हो। सॉरी कहा ना, अब सच में नहीं पीऊंगी। अरे रहने दो, तुमसे नहीं होगा। काश मेरी शादी किसी नॉर्मल लड़की से हुई होती तो। आलोक कपड़े बदल कर घर के बाहर चला जाता है। सोना को आज आलोक की बात बहुत ही कड़वी लग रही थी।
इसके बावजूद भी सोना ने शराब पीना नहीं छोड़ा। एक दिन जब आलोक घर आया तो अपने साथ एक खूबसूरत लड़की को साथ लाया। माँ, ये पूनम है, मेरे बॉस की बेटी। हम दोनों एक प्रोजेक्ट पर साथ ही काम कर रहे हैं, इसलिए कुछ दिन ये हमारे साथ ही रहेगी। नमस्ते आंटी जी। जीती रहो बेटी। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे आंटी, आप क्यों बनाए? मैं चाय बना कर लाती हूँ, आप बस मुझे आपका किचन दिखा दीजिए। अरे बेटी, ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ मेहमानों से काम नहीं करवाया जाता। अरे माँ, बनाने दो, ये बहुत जिद्दी लड़की है, जो सोच लेती है वो करके ही रहती है। राइट, आलोक मुझे बहुत अच्छे से जानता है, ही इज वेरी नाइस मैन। आंटी जी, आपका बेटा एकदम जेंटलमैन है। सोना ऊपर खड़ी सब कुछ देख रही थी। पूनम अम्बा के साथ किचन में जाकर चाय बना लाती है। आलोक और अम्बा पूनम की बनाई हुई चाय की खूब तारीफ करते हैं। ऊपर खड़ी सोना ये सब देखकर पूनम से जलने लगती है। वो तुरंत बेडरूम में जाकर शराब की एक भरी हुई बोतल मुंह से लगाते ही खाली कर देती है। नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए वो सीढ़ियों से नीचे आती है और पूनम के बाल पकड़ लेती है। ए बंदरिया, चल निकल मेरे घर से। बेशरम कहीं की, मेरे घर में खड़ी होकर मेरे ही पति पर लाइन मारती है। अरे ये क्या बदतमीजी है सोना? तुम कौन हो? ओ हाँ, तुम वही हो ना जो इस बंदरिया के हाथों की चाय पीकर वाह-वाह कर रहे थे? करो और करो तारीफ। हे भगवान, इसने फिर से शराब में डुबकी लगा ली है। बेटा आलोक, तू जल्दी से अंदर ले जा इसे। आलोक सोना को बेडरूम में ले जाकर उसे बंद कर देता है और नीचे आकर पूनम से माफी मांगता है। पूनम हैरान थी आलोक की पत्नी का ये रूप देखकर। ये कौन थी आलोक? तुम्हारी पत्नी इतनी डेंजरस? ओह माय गॉड, आई थिंक अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। प्रोजेक्ट का काम हम ऑफिस में ही कर लेंगे। पूनम के जाते ही आलोक और अम्बा सर पकड़कर बैठ जाते हैं। उनकी शराबी बहू हर तरह से घर की इज्जत खराब करने में लगी थी, लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो रहा था। आलोक और अम्बा ने सोना को ठीक करने का एक प्लान बनाया। दूसरे दिन जब सोना की नींद खुली तो उसने मोबाइल पर एक वीडियो देखा जिसमें आलोक और पूनम शादी कर रहे थे। सोना की आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये सब मेरी गलती है, शराब की लत ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। आज अब मैं क्या करूंगी? सोना ने घर में रखे सभी शराब की बोतलों को कूड़ेदान में फेंक दिया और ऑटो पकड़ के आलोक के ऑफिस पहुंच गई, जहां अम्बा अपने पति और बेटे आलोक के साथ बैठी खाना खा रही थी। पूनम भी शादी के जोड़े में आलोक के बगल में बैठी थी। अरे देखो, हमारी सोना बहू भी आ गई। आजा बहू, आजा। सोना उदास होते हुए बोली। शादी हो गई आप दोनों की? तुम्हें क्या मतलब इससे? तुम जाओ बैठकर शराब पियो। क्या हुआ, घर में बोतल खत्म हो गई शराब की? ये लो, पैसे ले जाओ और खरीद लो। मुझे माफ कर दो आलोक, मैं मानती हूँ मैं अपनी बुरी लत के कारण आप सबको बहुत परेशान किया है, लेकिन क्या तुम मुझसे अब डिवोर्स ले लोगे? मुझे घर से निकाल दोगे? सोना की हालत देख सबको उस पर दया आती है। अपनी बहू की ऐसी हालत देख अम्बा बोल पड़ती है। नहीं सोना बहू, ऐसा नहीं होगा। अगर तू वादा करे कि आज से शराब को हाथ भी नहीं लगाएगी तो। सोना रोते हुए वादा करती है और पूनम से माफी भी मांगती है। इट्स ओके सोना, बट ये शादी बस हमारे ऑफिस प्रोजेक्ट का एक एड था, इसीलिए अब तुम हैप्पी हो जाओ, आलोक सिर्फ तुम्हारा ही है। ये सुनकर सोना और सभी लोग खुश होते हैं। आखिर शराबी बहू को देर से ही सही, पर अकल तो आई। इसीलिए कहते हैं, अंत भला तो सब भला। आज शिल्पा को बेस्ट बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने जा रहा है। स्टेज से जैसे ही एंकर शिल्पा का नाम पुकारता है, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगता है। द बेस्ट बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू शिल्पा शाह। अपना नाम सुनकर शिल्पा स्टेज पर आती है और अवार्ड लेकर जाने वाली होती है कि तभी मैं शिल्पा मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी लाइफ की जर्नी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें।
ताकि आपसे प्रेरणा लेकर और भी महिलाएं इस मुकाम तक पहुंच सके। यह सुनकर शिल्पा की आंखें नम हो गईं और उसने माइक अपने हाथों में ले लिया। एक बार फिर से पूरा हॉल तालियों से गूंजा। हर कोई शिल्पा का सक्सेस देख रहा था, लेकिन उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत लगी है ये केवल शिल्पा ही जानती थी। एक समय था जब शिल्पा के पास न खाने के लिए रोटी थी और न ही सर छुपाने के लिए अपना घर। किराए के एक छोटे से मकान में उसका पूरा परिवार रहता था। शिल्पा का पति महेंद्र एक ऑटो ड्राइवर था। दिन भर ऑटो चलाकर जो थोड़ी बहुत कमाई हो पाती थी उसी से शिल्पा अपना घर चलाती। क्या बात है जी, इस बार तो आप और भी कम पैसे दे रहे हैं। इतने में पूरा महीना कैसे निकालूंगी मैं? अरे हाँ, वो बच्चों के लिए नई फ्रॉक लाया हूँ तो उसी में 1000 रुपए खर्च हो गए। कितनी बार कहा है आपको, फिजूल खर्चे अच्छी बात नहीं होती है। मुनिया और गोलू के लिए पिछले महीने ही तो हमने नए कपड़े लिए थे, फिर इसका क्या जरूरत थी भला? अरे बहू, क्यों इतनी चिकचिक कर रही है हर बात पर? इतनी ज्यादा कंजूस होना अच्छी बात नहीं होती है। बात कंजूसी की नहीं है माँ जी, बात फिजूल खर्चे की है। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर आज हम 4 पैसे बचाएंगे तो कल वही हमारे बुरे समय पे काम आएंगे। मुनिया और गोलू भाग कर आते हैं और अपनी नई ड्रेस देखकर खुश हो जाते हैं। अरे वाह, पापा मेरे लिए नया फ्रॉक लाए हैं। ये पापा, आप तो सचमुच मेरे सुपर हीरो हो। मैंने कल सपने में बिल्कुल यही वाली फ्रॉक देखी थी। महेंद्र मुनिया और गोलू को गोद में उठा लेता है, लेकिन शिल्पा को अपने परिवार की चिंता होती है कि बिना पैसे के इस महंगाई में कैसे गुजारा होगा। शिल्पा कई सालों से कुछ पैसे बचाकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती थी, जिसके बारे में उसका पति भी नहीं जानता था। शिल्पा काम की तलाश में हमेशा आस पड़ोस के लोगों से बात किया करती थी। एक दिन किसी ने उसे बताया कि अरे शिल्पा, तुझे काम चाहिए था ना? हाँ माँ जी। तो घर घर जाकर प्लास्टिक की बोतल जमा कर और मुझे ला कर देना, मैं उसे कंपनी में देकर पैसे लाऊंगी। जितना भी पैसा मिलेगा आधा तू रख लेना और आधा मैं रख लूंगी। क्या सच में ऐसा होता है, कोई कंपनी खाली बोतलों की भी पैसे देते हैं? हाँ शिल्पा बेटी, मैं सालों से यही काम करके अपना पेट पाल रही हूँ, लेकिन अब घर घर जाकर बोतल जमा करने की हिम्मत नहीं है ही मेरी शरीर में। कोई बात नहीं, मैं करूंगी ये काम। वैसे माँ जी, एक बोतल का कितना रुपया देते हैं वो लोग? किसी का 20 तो किसी का 15 रुपया दे देते हैं। शिल्पा अब हर रोज मोहल्ले में घूम घूम कर प्लास्टिक की बोतल इकट्ठा करने लगी, जिससे उसके हाथों में 4 पैसे आने लगे। एक दिन मोहल्ले की कुछ औरतों से उसे स्वयं सहायता समूह की जानकारी मिली। अच्छा दीदी, इसमें होता क्या है? इसमें गरीब महिलाएं मिलकर हर महीने कुछ पैसे जमा करते हैं, जिसे निकाल कर कोई घरेलू बिजनेस शुरू किया जा सकता है। इसमें सरकार लोन की व्यवस्था भी बड़े सस्ते ब्याज पर दे देता है। सच दीदी, क्या मैं भी इसमें पैसा जमा कर सकती हूँ? क्या मैं भी अपना बिजनेस शुरू कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हो। शिल्पा को नई राह मिल गई थी, जिस पर चल के वो कुछ नया सीखने लगी। तो आज हमने सीखा कि कम पैसे में बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है और महिलाएं किस तरह अपने रोज के खर्चे से पैसे की बचत कर सकती है। दीदी जी, मैं भी अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे करूँ ये नहीं मालूम। ये तो अच्छी बात है, तुम थोड़ा सा लोन लेकर एक सब्जी की दुकान लो या मछली पालना शुरू करो। मछली पालना, सब्जी की दुकान? नहीं दीदी, ये सब नहीं, मुझे तो बड़ा कोई बिजनेस करना है। शिल्पा, तूने वो कहावत तो सुना ही होगा ना कि जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। बड़ा बिजनेस करने के लिए बड़ा लोन लेना होगा, जिसे चुकाना तेरे बस की बात नहीं है, समझी? शिल्पा उदास मन से घर आकर खाना बनाती है कि तभी दूसरी तरफ महेंद्र का एक ट्रक से बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है।
बेचारी शिल्पा पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। महेंद्र हॉस्पिटल में एडमिट था, घर का खर्चा चलाना बेहद मुश्किल हो गया। किराया न देने के कारण मकान मालिक ने भी सबको घर से निकाल दिया। तेज बारिश में शिल्पा की बेटी और सास को लेकर पूरी रात इधर उधर भटकती रही। तभी गंदे नाले के पास उसे एक बड़ा सा पाइप नजर आया। चारों उसी पाइप में जाकर बैठ गए। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत की घड़ी आन पड़ी है हम पर, अब क्या होगा मेरे परिवार का। माँ जी, आप मुनिया और गोलू के साथ इसी पाइप में रहिए, मैं बाजार जाकर कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। बारिश भी अब रुक गई थी। शिल्पा ने देखा कचरे के ढेर में बहुत सारी प्लास्टिक की बोतलें पड़ी है। उसने सभी को एक कपड़े में बांध लिया और कंपनी में बेचकर कुछ पैसे जमा किए। इसी तरह हर रोज शिल्पा इधर उधर पड़े कचरों के ढेर से प्लास्टिक की बोतल चुनकर फैक्ट्री में बेचने लगी। इन्हीं पैसों से वो अपने परिवार के लिए दो वक्त की रोटी और पति की दवाई का इंतजाम कर पाती थी। शिल्पा ने अब बिजनेस करने की सारी उम्मीद खो दी थी। एक दिन मोहल्ले की स्वयं सहायता समूह वाली दीदी उससे मिलने आई, जिसके हाथों में पैसे देकर वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती थी। शिल्पा, ये क्या हाल हो गया है तेरा? मैंने जाने कितने लोगों से तेरा पता पूछा, तब कहीं जाकर किसी ने ये बताया कि तू इस पाइप में रहती है। लेकिन तू चिंता मत कर, अब सब ठीक हो जाएगा। शेयर मार्केट में जो पैसा तूने लगाया था उसमें तुझे 5 लाख का मुनाफा हुआ है। शिल्पा की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं रहा। सच दीदी, मुझे इतना सारा पैसा मिलेगा? हाँ शिल्पा, ये सच है। अब तुम अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो और मैंने तुम्हारे लिए लोन का भी अप्लाई कर दिया है। फिर भी अगर तुम्हें पैसों की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन बिजनेस में क्या करना है ये तुम्हें खुद ही सोचना होगा। शिल्पा ने अपने परिवार को लेकर उसे किराए के मकान में वापस आ गई। उसने अपने पैसों से रिसाइकलिंग वाली मशीन खरीद कर कचरे से नया सामान बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया, जिसमें उसे बहुत फायदा हुआ। धीरे धीरे और बहुत सी बड़ी कंपनियों ने भी उसके साथ मिलकर काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तुमने तो चमत्कार कर दिया शिल्पा, हमारा भी कभी बिजनेस होगा, अपना घर और गाड़ी होगी, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आज हर कोई मुझे बिजनेस वाली बहू की सास कहकर बुलाता है, मुझे बहुत खुशी होती है बेटा, जीता रहे मेरी बिजनेस वाली बहू। शिल्पा के पास आज अब सब कुछ है, लेकिन ये सब उसकी मेहनत और लगन का ही नतीजा था। किसी ने सच ही कहा है, आसमान में भी छेद किया जा सकता है, एक पत्थर पूरे हिम्मत से उछाल कर तो देखो। हिम्मत से सब हासिल हो सकता है।